हाय गाइस, कुछ लोगों के लिए चेहरा तो नया सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग आप लोगों के सामने काफ़ी शानदार और इससे भी काफ़ी बिजोड़ आपको वीडियो हम लोग दिखाने वाले हैं। तो ये मेरा लाइफ का सेकेंड ब्लॉग है। तो जिस तरह हम लोगों ने लुम्बिनी में अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया हुआ था और दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी उसे प्यार दिया हुआ था, तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी जो हम लोग शूट कर रहे हैं इस पर भी दोस्तों आप लोग इतना प्यार दीजिए कि बट डोंट वरी, हम आपको कुछ रोमांचक वीडियो के साथ हम लोग यहां पर मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं जो यहां पर बैठा हूं ये कोई बनावटी या कोई मानव निर्मित द्वारा जगह नहीं है, ये चारों तरफ जंगलों से ढका हुआ और पेड़ पौधों से घिरा हुआ जगह है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की कलकलाहट जाती हुई इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग दून में एकदम समझिए कि एकदम हम लोग पहुँचने वाले हैं, और दून से पहुँचने से पहले आपको एकदम दुर्गम आपको एक रास्ता से गुजरना पड़ता है जिसको कि हम लोग डंडा के नाम से भी जानते हैं। और डंडा क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से आपको दोनों साइड से आपको पहाड़ दिख रहा होगा, और इसी पहाड़ को तोड़कर एकदम समझिए कि एकदम रास्ता बनाया गया है, और इसी रास्ते से होकर दून तक का सफ़र तय। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा माउंटेन द माझी, उसी प्रकार ये भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ों को तोड़कर ही रास्ता बनाया गया है। और आगे आप देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कितनी कड़ी मेहनत है वो शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जिस डंडे की हम बात कर रहे थे उसी रास्ते से ट्रैक्टर आ रहा है। आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रैक्टर के एकदम समझिए कि बैकअप करके ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसमें ईंट लगा हुआ है। तो आप चारों तरफ से आप व्यू देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग डंडा पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएं कि इसका दुर्गम रास्ता कैसे है। और आपने अभी ट्रैक्टर को भी देखा जाते हुए कि कितना मुश्किलों का सामना करते हुए ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ा और चेक पोस्ट को पार किया। सफ़र यहीं पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सफ़र तो अभी बाकी है। अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट डंडा तक ही पहुँचे हैं और हम आपसे वादा किए थे कि आपको एकदम दून तक का सफ़र दिखाया जाएगा और आप पूरा मज़ा लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग वॉच टावर पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं एकदम, हमारे भाई लोग एकदम इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ताज़ा एकदम हवा आ रही है। तो वीडियो यदि हमारा ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।